बड़वानी कलेक्टर दादागिरी करता है, कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को बोलने नहीं देता है, सवालों को जवाब देने के बजाय उल्टा कांग्रेसियों को बोलता है कि आप सवाल पूछने का कोई हक नहीं, भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए संगीन आरोप पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन ने कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पर लगा है। आईएएस अधिकारी लोकेश जांगड़ के आरोपों को भी गर्माहट अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि बड़वानी कलेक्टर के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। जिले के अनलॉक करने को लेकर बुलाई गई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लेट लतीफे कोरोना से मौत के सही आंकड़े प्रभारी मंत्री से मांगने को लेकर बैठक में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन, चंद्रभागा किराड़े और भाजपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद बैठक में बाहर आए पूर्व गृह मंत्री ने दादागिरी कर अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटने का आरोप लगाया बड़वानी कलेक्टर पर। महराजपुर विधायक के आरोप को खारिज करते हुए कलेक्टर ने उल्टा बाला बच्चन को कटघरे में खड़ा कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि विधायक जी अनावश्यक प्रश्न पूछकर मुद्दे को भटकाने का प्रयास हमेशा करते हैं। बैठक में हुए हंगामे को लेकर राज्य सांसद ने भी राजपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बाला बच्चन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कोरोना महामारी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कलेक्टर और यहां का प्रशासन ये चाहता है कि हम लोग जो जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में कांग्रेसी जनप्रतिनिधि और कांग्रेसी आए ही नहीं। पहले तो हम लोगों के नाम उन्होंने दिए नहीं, जनप्रतिनिधियों के नाम, न विधायकों के, न जिला पंचायत के मेंबर्स के, न जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का। तो पहले तो पिछली बैठक में हमने वो फाइट किया, आज बैठक में आए हमने पूछा कि माननीय मंत्री जी से कि आप ये बताएं माननीय मंत्री जी, कल हम लोगों को 1 बजे खबर मिली कि 6 बजे बैठक है, तो हमने आपको फ़ोन किया तो आपने बताया मैं खुद भोपाल में, मुझे खुद को मालूम नहीं। तो हमने आज पूछा कलेक्टर से, सबसे कलेक्टर ने बोले मैंने बुलवाया तुम्हें, हमने प्रभारी मंत्री जी से पूछा था कि बताओ जिला कांग्रेस कमेटी, ये जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक कलेक्टर बुला सकता है, प्रभारी मंत्री को खुद को खबर नहीं थी। तो कोई बात अगर हम मंत्री जी से पूछ रहे, शासन से पूछ रहे, तो बोले वो मंत्री नहीं, मैं हूँ सब कुछ, मतलब कलेक्टर। और उसके बाद हम लोगों के जो कांग्रेसी जो जनप्रतिनिधि है, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को भी वो बोलते हैं कि आपको तो कोई अधिकार ही नहीं पूछने का। मैंने ये पूछा है कि भाई ठीक है, हमने लास्ट टाइम आपको 12 बिंदु को एक लेटर सबमिट किया था, उसका क्या हुआ कि बड़वानी जिले में कोरोना के दोनों फेस में कितने लोगों की मौत हुई है, और उनको जो शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा की थी 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का, उसका क्या हुआ? तो कोई आंकड़ों का आता पता नहीं था। उसके बाद फिर जो ऑक्सीजन प्लांट की हमने बात बोली, तो सुमेर सिंह जी ने इस बात को पिछली बार बोला था कि भाई ठीक है, मैंने 25 लाख रुपये दिए हैं, तो हमने बोला कि सही समय पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता तो बड़वानी जिले में हज़ारों लोगों की इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई वो नहीं होती। और आज भी कहाँ है वो लेटर? तो उसका कोई अता पता नहीं, और उनने उस हेड को बदल दिया, और उनने खुद ने आज यहाँ स्वीकार किया है सुमेर सिंह जी ने कि हाँ मैंने जिला में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाख रुपये दिए थे, मैंने उसको दूसरे एम्बुलेंस देने के लिए कर दिए। तो मैंने इस चीज़ को, हमने और हमारे साथियों ने, सब ने, हम लोगों ने इस बात को उठाई थी। तो कलेक्टर ने यह बोला है कि आपको तो कोई अधिकार ही नहीं बैठक में हिस्सा लेने का और बड़वानी जिले के लोगों की बात रखने का। ये माना जाए कि कांग्रेस के लोग पर दुर्व्यवहार कर रहा है प्रशासन, बहुत बिल्कुल स्पष्ट कलेक्टर की जो भाषा थी बिल्कुल तेरे मेरे पे थी, और वो जवाब मंत्री ने देना चाहिए, कलेक्टर साहब दे रहे थे, जबकि वो उनकी व्यवहार ऐसा था कि जैसे लड़ाई ना हो रही हो। मुझे बोलते हैं वो कि आपको कोई अधिकार ही नहीं, मुझे तू बोल के बोलते हैं कि तेरे को तो कोई अधिकार ही नहीं बोले यहाँ पर, ये हमारे सब उसके बाद सही है कलेक्टर साहब बोलते हैं। आप पुराने लीडर रहे हो, आज राज्यसभा सांसद जो कि 1300 नेता माने जाते हैं, वो आपको उंगली बता रहे हैं। नहीं, हमको उगली ठीक है, बात जो रख रहे थे हम आंकड़ों का, जो ये कि भाई एक तो तीसरा फेस जो आने वाला उससे निपटने के उपाय क्या है, कोरोना महामारी अगर उसका तीसरा फेस आया तो उसका उपाय क्या है, उसके ऑक्सीजन, उसके बाद अस्पतालों में भर्ती के इंतजाम, उसके बाद इंजेक्शन, उसके इंतजाम क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना। कितने बड़वानी में लोग कोरोना से मरे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना, तो फिर अनुग्रह राशि कैसे दी जाएगी? जैसे आज हम आंकड़े लेकर आए, हमने इनसे प्राप्ति भी ली, अकेले राजपुर में 72 लोग कोरोना से मरे हैं, बड़वानी में अकेले में या जुलवानिया में अकेले में 88 लोग मरे हैं, एक ग्राम पंचायत में 33 लोग है, एक जगह 28 लोग, एक जगह 18 लोग है, ऐसे जुलवानिया और उसके आसपास में 167 लोग मरे हैं, राजपुर नगर पंचायत में अकेले 72 लोग मरे, वहाँ ये कलेक्टर और ये जो सरकार केवल 7 लोग बताती है, तो हम लोगों को बोलने भी नहीं देते, हमारी आवाज़ को भी, हमारे इतने लोगों की जान भी ले ली और उसके बाद हमारी आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं, हमको बोलने का हक नहीं है, ये बात कलेक्टर बोलता है, दादागिरी करता है कलेक्टर। आगामी क्या करोगे? अभी हम लोग बैठक करके तय करके उसके बाद करते हैं कि हमारी जो लड़ने का, जो देखो हमारा जिला है, हमारे लोग हैं,
और उनकी इस तरह से अगर मौतें होती रहेगी तो हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे थोड़ी रहेंगे, हमारी ड्यूटी बनती है। तो चिल्ला छोट करने लग गए भाजपा के लोग कलेक्टर के साथ में कि आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने क्या किया। तो मैंने भी और चंद्रभागा किराड़े जी ने भी, हमने हमारी राशि को बताई, मैंने खुद ने दो फेज में लगभग 50 लाख रुपये दिए हैं। तो सरकार की मंशा स्पष्ट दंड ही करने की है, दंड ही कर रही सरकार। अनुग्रह राशि नहीं देना चाहती, अनुकंपा नियुक्तियाँ नहीं देना चाहती है, तीसरी लहर से बचाने को कोई इंतजाम किए वो नहीं बताना चाहती, और कलेक्टर किसी को बोल ही नहीं देता है। ये ऑक्सीजन कंसेंटर अन्य खरीदी में भ्रष्टाचार, बिल्कुल ही हमारी बात की पुष्टि होती है। और हम जो बोल रहे हैं, कांग्रेस जो बोल रहे हैं बड़वानी जिले में, कांग्रेस के जो विधायक बोल रहे हैं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बन रहे, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष बन रहे, उसके बाद फिर हमारे जिला पंचायत के मेंबर बोल रहे हैं, हमारा संगठन बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है। जहांगीर जी यहाँ रहकर गए और देख के गए, तो उनने हमारी बात की पुष्टि की है और ये सत्य है। कलेक्टर जिस दिन यहाँ से हटेगा तब अपनी कलेक्ट्री याद आएगी और तब लगेगा कि मैंने बड़वानी जिले में मेरे अपनी प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए कितने लोगों की जान ले ली। मतलब हमने आपको आंकड़े बताए ना, अकेले राजपुर में 72 लोग, अकेले जुलमानिया में साल भर में 88 लोग, एक जगह 33 लोग, एक जगह 28 लोग, एक ग्राम पंचायत में 18 लोग, उसके बाद भी ये कलेक्टर और ये प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? आज की बैठक का हम स्पष्ट कर चुके हैं आपको, हम बता चुके हैं, कलेक्टर दादागिरी करता है और मंत्री तक को नहीं बोलने देता, और कांग्रेस के लोगों को बोलता है तुम्हारा यहाँ क्या काम। हमने बोला कि तुम्हारी लिमिटेड दुकान है क्या, तुम कलेक्टर प्रशासन शासन के हो कि किसी पार्टी के हो। पूरी तरह से ये जो मीटिंगें जो होती है जिला क्राइसिस कमेटी का, इनका पूरी तरह से राजनीतिकरण करने में लगा है कलेक्टर। जिला योजना अधिकारी ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसको लेकर क्या कहा? जिला योजना अधिकारी ने जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया था, हाँ, उसको लेकर उस पर प्रेस नोट जारी, नहीं उसमें कुछ नहीं, कलेक्टर अपनी तरफ से वो मतलब पूरा राजनीतिकरण करते हैं, पूरा वो डंडे टाइप करते हैं कि आपको तो कोई बोलने का अधिकार नहीं, बोलते हैं वो प्रेस नोट झूठा भी है और उसको अधिकार भी नहीं पड़ी विधानसभा में मामला। हाँ बिल्कुल, विधानसभा में हम लोग हर चीज उठाएंगे। ये जिला, मैंने भी पहली बार ऐसा देखा कि जिला योजना मंडल के अधिकारी की तरफ से इस तरह का प्रेस नोट निकल रहा है। और आज भी क्या हुआ उस ऑक्सीजन प्लांट का, जिसके लिए वो जो मैडम ने जिला योजना मंडल के अधिकारी ने जो फेवर लिया था सांसद का, आज भी उस ऑक्सीजन प्लांट का कोई अता पता नहीं, वो रद्दी की टोकरी में गया सांसद का लेटर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक करने के लिए जो गाइडलाइन दी उसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी और उसका पालन करते हुए बड़वानी जिले को अनलॉक कैसे किया जाए उसके विस्तृत दिशा निर्देश आप सबको मिल जाएंगे। आरोप वाला जहां तक विषय है, मैं बता देना चाहता हूं माननीय विधायक जी को, आप सिर्फ झूठ के दम पर आरोप लगाते हो और आपके आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं। फिर बोल रहा हूं मैं, विस्तृत जानकारी उनको चाहिए तो मुझसे तो ले लो। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़वानी जिला मुख्यालय पे 2 प्लांट स्वीकृत किए हैं, साथ में बड़वानी जिला मुख्यालय के अतिरिक्त राजपुर, पानसेमल और सेंधवा में भी स्वीकृत किए हैं। मेरी इस छोटी सी राशि से मैंने एम्बुलेंस खरीदने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में सब लोगों ने चर्चा की, तो उस राशि को 25 लाख को और 5 लाख रुपये और देकर 30 लाख में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदने के लिए सहमति से, सब लोगों की सहमति से जिला प्रशासन को राशि जारी करने के लिए अनुशंसा किया है। ये निरस्त करने वाला कोई विषय है ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने 125 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत कर दिए हैं। माननीय विधायक जी को मैं कहना चाहता हूँ, वो स्वास्थ्य मंत्री इस जिले के थे, पूरे मध्य प्रदेश के थे, तब ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया उन्होंने, क्या कर रहे थे वो वहाँ पर? उन्होंने ICU बेड नहीं बनाए, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दी। मध्य प्रदेश सरकार आज भी कल भी जनता के साथ खड़ी है और हर सुख दुख में खड़ी है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल, माननीय लोकसभा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय ओम सोनी, पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक इस जिले में सुख दुख में जनता के साथ खड़ा है और हमने लगातार जनता के बीच में कोरोना काल में काम किया है। कांग्रेस के सारे लोग क्या क्वारंटाइन हो गए थे क्या? थे कहाँ? कितने गांवों में सेवाएं दी? माननीय विधायक जी बताएं कितने गांवों में जाकर सेवाएं दी, उनके अन्य कार्यकर्ता बताएं। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक ने काम किया है और बेहतरीन काम किया है, हर सुविधाएं देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। बाला बच्चन जी ने कलेक्टर पर भी आरोप लगाया, आदत है आरोप लगाना, कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, झूठ में सरकार गंवा गई, सरकार चली गई, अब बचा कुछ नहीं आरोप लगाने के अलावा, आदत है। ये पिछले
लोग दो तीन बार से जब भी पर्यटन में आ रहे हैं तो अनावश्यक चीज़ों को लेकर के यहाँ पे प्रश्न उठा रहे थे, तो इसमें कई बार अपनी स्थिति हमारे सभी लोगों को बनती थी, आज भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने उठाई, क्योंकि कलेक्टर की भूमिका एक समन्वयकारी भूमिका रहती है बैठक आयोजित कराने के लिए, तो उनके जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत हैं। हमारे पूरे जिले की टीम ने, हमारे प्रतिनिधियों ने जान पर खेल करके लगातार काम किया हुआ है, केवल चिल्लाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती है। मैंने उनसे यही कहा था कि आप हमारा सहयोग करिएगा, ना कि अनावश्यक आरोप विरोप लगाइए। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।